الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. प्रॉपर्टी की फील्ड में उभरता हुआ नाम अल बुर्राक मार्केटिंग स्कीम 45 की प्रॉपर्टी में महारत रखते हैं। प्रॉपर्टी की फील्ड में अपना लोहा मनवाते हुए तेजी से तरक्की की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। अल बुर्राक मार्केटिंग कराची के हर टाउन में अपनी एक फ्रेंचाइज ओपन करने का इरादा रखते हैं और अपने इसी इरादे का अमली तौर पर आगाज करते हुए अल बुर्राक मार्केटिंग का तरक्की की जानिब एक और कदम है। अल बुर्राक मार्केटिंग ने अपनी पहली फ्रेंचाइज का शानदार इफ्तिताह कराची के कदीम और आबाद तरीन इलाके लाइंस एरिया में कर लिया है। प्रोग्राम की नकाबत सैयद शहरियार दाऊद साहब ने की और प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके बाद नाज शरीफ पेश की गई, फिर फ्रेंचाइज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब अफसर राजपूत साहब ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया, फिर जनाब लियाकत लोधी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया, फिर अल बुर्राक मार्केटिंग के CEO हाजी दानियाल आजाद तारी ने अपने तजुर्बात की रोशनी में कराची और स्कीम 45 की प्रॉपर्टी का जायजा पेश किया। अब जो कराची हमारा बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है सुपर हाईवे की तरफ। नेक्स्ट जो आबादी होने वाली है वो है हमारा स्कीम 45। अगर ये पहला साल मवेशी मंडी वहां पे कामयाबी से सक्सेसफुल हो गई तो फिर यूं समझ रहे अब एनवायरमेंट की वजह से स्कीम 45 की प्रॉपर्टी बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिर मौजिज सारफीन का फूलों के गुलदस्ते से शुक्रिया अदा किया। फिर रिबन कटिंग सेरेमनी की गई और फिर ऑफिस में दुआ का सिलसिला। नूर इलाही जब चमका। फिर शुरका में से कई लोगों ने अल बुर्राक मार्केटिंग के हवाले से अपने जज्बात और तासुरात का इजहार किया। खाने के अहतमाम पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। आप भी अल बुर्राक मार्केटिंग की फ्रेंचाइज हासिल करना चाहें या अल बुर्राक मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हासिल करना चाहें तो इस नंबर पर राब्ता कीजिए। और हाँ, अल बुर्राक मार्केटिंग को सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो कीजिए।